वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब लाहौर शहर की बात करते हैं तो लाहौर के हवाले से आपको अपडेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब जब टीवी ऑन करें सुबह, आपको पता हो कि जब हम मार्केट के लिए निकल रहे हैं तो क्या सूरत आलम है मार्केट की, ज़रा सब्जियों के रेट्स की बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान लतीफ हमें ज्वाइन करने वाले हैं। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आज क्या रेट की सूरत हाल है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंहपुरा सब्जी मंडी में। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों में तो सब्जियों की कीमतों में कल के मुकाबले में यहाँ पे इजाफा हो चुका है। कल जो आलू नया था उसकी कीमत 31 रुपए थी, आज 33 रुपए हो चुकी है। अगर प्याज की कीमत की बात की जाए कल 24 रुपए थी, आज इसमें इजाफा हुआ है, इसके साथ 26 रुपए हो चुकी है। टमाटर की कीमत में 12 रुपए की कमी हुई है, 69 रुपए हो चुकी है। इसी तरह अगर बात की जाए शिमला मिर्च की कीमत की तो शिमला मिर्च की कीमत भी 106 रुपए हो चुकी है। अदरक की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है, आज भी उसमें 6 रुपए का इजाफा हुआ, कीमत 196 रुपए हो चुकी है। इसी तरह अगर बात की जाए गोभी की कीमत की तो गोभी की कीमत भी यहाँ से 60 से 70 रुपए के दरमियान है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं सिंहपुरा सब्जी मंडी में कीमतों के हवाले में, उसके साथ साथ जो सफाई की अब तक सूरत हाल इनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसी सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ और सुबह यहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए आया हूँ। तो शिमला जो है वो 120 रुपये किलो मिली है, गोभी जो है 100 रुपये किलो मिली है, इसी तरह बकाया चीज़ें वो सबसे ज्यादा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई सीएम साहब या पीएम साहब नोटिस ले या कोई चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले, यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का कोई भी बंदा 70 स्केल का आ जाए, वो आ जाए एक सुबह डेली अगर एक विजिट कर ले यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में वो घर के लिए भी सस्ती सब्जी ले जाए और उससे हजारों लोगों को भी फायदा हो जाए। चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, लोग यहाँ पर आए, कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि रेट जो है वो मुनासिब हो सके। बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ, आपको भी ज्वाइन करें। जी जनाब, हम जरा सब्जियों के रेट से बाहर आते हैं और अब हम आते हैं अपने सेट पे ऊपर, और सेट पे जब हम बात करते हैं फिटनेस की, योगा की, तो योगा आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी सोल इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक चीज़ है और बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आप योगा किया करें। जुम्बा एक नया, जो नया तो नहीं, खैर हम बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर भी होंगे। उसके अलावा फिटनेस ट्रेनर आज हमारे पास मौजूद होंगी जो आपको योगा के भी हवाले से भी बताएंगी, जुम्बा के हवाले से भी बताएंगी और आपकी फिटनेस के हवाले से भी बताएंगी। जुनैरा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो जुनैरा, कैसे आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जुनैरा। हम योगा की बात करते हैं, जुम्बा की बात करते हैं, सबसे पहले योगा से स्टार्ट करते हैं। योगा कितना ज़रूरी है? योगा बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन फीमेल और मेल के लिए, आज का टॉपिक वैसे वही है कि हार्ट पेशेंट के लिए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कार्डियो नहीं कर सकते हैं, रनिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो योगा करें। योगा कुछ होते हैं, इनहेल एक्सहेल होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि उनका पोस्चर बिल्कुल ठीक हो, उनको पता हो, तो वो करें तो वो फ्रेश रहते हैं। फ्रेश रहते हैं, योगा आपकी फ्रेश रहने के लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन भी एक तरह से हो जाती है आपकी, और वैसे भी बिल्कुल, अगर मैं स्पेशली मॉर्निंग वॉक करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है वॉक करने के बाद मैं घास बेंच पे बैठ के योगा करती हूँ। अच्छा। तो उससे क्या होता है, बहुत फ्रेशमेंट मिलती है आपका माइंड, सुबह सुबह इतना मजा आता है ना कि आपका दिन बहुत अच्छा और फ्रेश गुजरता है। तो वो बहुत जरूरी है, मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि योगा जरूर किया करें, जरूरी नहीं है सुबह के टाइम ही किया जाए, आप रात को बेड पे आप जाते हो तो लेट के भी आप कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, किसी टाइम भी आप कर सकते हो, इवन कि आपको कोई गुस्सा आ रहा है या आपको कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, तो आप तो इसमें तो प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के आपको गाइड कर देते हैं कि अच्छा इस तरह के प्रेशर पॉइंट्स से आप इस चीज को कर सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है? अर्मिला। अर्मिला, मेरा ये है कि मेरी जो जो है मोस्टली मेरी मेंबर्स जो आती हैं वो यही होती है कि ना हमें मोस्टली बड़ी एज की जो होती हैं वो कहती हैं कि हमें ऐसे योगा करवाएं कि हमारी बॉडी स्ट्रेचिंग, वो ज्यादातर फीमेल्स या मेल बोर हो जाते हैं तो उनके लिए जो मखसूस होते हैं ना ये पॉइंट्स पे करना ये करना, वो बोर हो जाते हैं, तो हम उनको वैरायटी ये देते हैं कि योगा में स्ट्रेचिंग करवाते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं लाइक बॉडी को, ऐसा हो गया कोबरा आपका जो हो गया पोस्टर हो गया, इस टाइप से कि आपकी बॉडी में जो पेन्स हो रही हैं उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, इन्हेल एक्सहेल कर रहे हैं, इस टाइप से ठीक हो गया। अच्छा जुनैरा, हम बात कर रहे थे योगा के हवाले से, नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि इसके लिए हमें डेडिकेटेड सा टाइम चाहिए कि इतना टाइम होना चाहिए, योगा हम इस टाइम पर करें, ये तमाम मामला, तो कोई ऐसे टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज अगर हम कितना है जिम जाओ एक्सरसाइज करो तो अगला बंदा बहुत घबरा जाता है या ये हमसे नहीं होता, आप कहीं भी हो, आप बेड पे हो, सोफे पे बैठे हुए हो, कहीं भी हो, आप उसी टाइम अगर आप कहीं आउटिंग पे गए हुए हो,
अगर के ऑफिस में बैठे हो आप कहते हैं हम जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने चेयर पे बैठ के बहुत से ऐसे पोस्चर्स हैं जो आप कर सकते हैं, योगा के, एक्सरसाइज के, स्ट्रेचिंग के, यानी कि इस चीज को बहुत इजी लेके चलना चाहिए, कोई इतना मुश्किल। अच्छा, चूंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है जनाब, तो अभी हम जुनेरा से जानेंगे कि हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो योगा किस तरह से कर सकते हैं, कौन से आसन हैं जो वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया के पास जाएंगे जो हमें दूध के फवायद बता रही है, तो जवेरिया से जानते हैं। जी जवेरिया, आज हम अरमिला बात करेंगे दूध के हवाले से, मिल्क के हवाले से। जैसे कि ज़रूरी चीज़ ये है कि अच्छी माएँ और सेहतमंद माएँ सेहतमंद मुआशरे बनाती हैं, वहीं पे ज़रूरी होता है कि 3 साल तक जो मदर्स मिल्क है यानी माँ का जो दूध है वो बच्चे की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए रिकमेंड भी किया जाता है, बच्चों के लिए रिकमेंड किया जाता है। पर वहीं पर जहाँ पर वीनिंग स्टार्ट होती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स, तो सॉलिड फूड्स में भी बच्चों को दूध की बनी हुई शिया दूध या मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की बनी हुई शिया दी जाती हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाउडर्ड मिल्क और प्रोसेस्ड मिल्क, पैकेज मिल्क और स्पेसिफिकली माएँ उस तरह की आजकल नहीं हैं, माएँ बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड फूड पे रिलाय करने लग गई हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है कि उनकी उस तरह से हेल्थ गोल्स अचीव नहीं हो पाते। ऑन द अदर साइड क्या सिनेरियो है कि व्हेनेवर वी गो थ्रू विद दीज थिंग्स, कि जब भी एक जो 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 छोटे बच्चे होते हैं जो कि तकरीबन 6 से 12 साल तक के बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ में, उनकी ग्रोथ फैक्टर में कैल्शियम डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी का भी बेहद ताल्लुक है उनकी जो मिल्क की जो उनकी कंजम्पशन है। ऑन द अदर साइड जब भी दूध की बात की जाती है तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ ब्लड में अब्जॉर्ब होता है और मतलब उसकी कंजप्शन अब्जॉर्प्शन होती है। ऑन द अदर साइड बच्चे मतलब जो बच्चियाँ जिन जो ग्रो अप हो रही होती हैं और उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ आयरन डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी का सामना होता है, तो वहाँ पे प्रोसेस्ड पैकेज्ड एंड पाउडर्ड मिल्क अगर आप रास्ते में ट्रेवल में फिर तो आप ज़रूर कंज्यूम करें, पर ऑन द अदर साइड अगर आप घर पे हैं तो आप प्रेफर करेंगे खुला दूध। और दूसरी बात है मिलावट शुदा दूध के बारे में, जैसे कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने पूरा एक इकदाम उठाया और काफ़ी मिल्क पैक्स की मॉनिटरिंग की गई, पूरा प्रोसेस मिल्क को देखा गया, काफ़ी जगहों पे बैन भी लगा दिया गया ताकि जो कि एडल्ट्रेशन है उसको रोका जा सके, मिलावट शुदा जो दूध है या जो यूरिया फार्मलिन ऐड की जा रही है जो कि आपकी उनकी बॉडी के लिए कैंसरस है और स्पेसिफिकली वो मुर्दों को हनूफ देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो आर्टिफिशियल तरीके से दूध बनाया जा रहा है उस पर भी रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब ने बहुत इकदाम किए हैं। और ऑन द अदर साइड बींग अ न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन मेरा ये मानना है कि आप अपनी आपकी बॉडी बहुत नेचुरल है और आप जितनी नेचुरल चीज़ें कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी हेल्थ गोल्स अचीव हो सकते हैं। जनाब इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिल रही हूँ सुबह सुबह, क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस तरह से खाना है, दूध के क्या फ़वाद हैं, वैसे आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, योगा के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और वर्ल्ड हार्ट डे है तो आपका हार्ट हेल्दी होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और जुनेरा हमारे पास आ चुकी है वहाँ पर, जुनेरा हमें बताने वाली, जुनेरा आज आप किस तरह के आसन हमें बताने वाली? बिल्कुल, अच्छा मैं बताना चाहूँगी कि जो जिनको हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मोस्टली होती है, ठीक है, उनके लिए वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें उनका सर नीचे ना हो, वो एक्सरसाइजेस जिनमें हार्ड कोर वर्कआउट जिसमें उनके सांस ना भरे, एग्जैक्टली ज्यादा प्रेशर, बिल्कुल कार्डियो नहीं, नॉर्मल लाइक इतना वो वॉक कर सकते हैं हल्की फुल्की, ठीक है, ये स्टार्टिंग है कि वो किसी ग्राउंड जा रहे हैं या फिर वो किसी जिम जा रहे हैं तो वो हल्की हल्की ये इससे बिल्कुल, मैं फिर से कहूंगी वो एक्सरसाइजेस ना करें जिनमें उनका सर झुकना पड़े, उनके हार्ट पे प्रेशर पड़े, ठीक है। अच्छा, ये कितना ये वार्म अप एक तरह से होता है? बिल्कुल, हार्डली 15 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि इतना उनके लिए तो वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। आप शोल्डर को बैक 8 टाइम्स, ठीक है, और साथ साथ जब आप 8 टाइम आप कर लो तो आपने रिवर्स वापस, ठीक है, ओके, ये आपके वार्म अप हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा, बिल्कुल। ये भी आप 8 सेट्स कर सकते हैं? बिल्कुल, 3 सेट्स कर सकते हैं, 4 सेट्स कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली इस तरह, ठीक है। फिर आप लाइट से डंबल ले सकते हैं, अगर घर में डंबल्स अवेलेबल ना हो तो आप पानी की बॉटल ले सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है ना, पानी की बॉटल ले ली, उससे आप आराम आराम से ये शोल्डर की कर सकते हैं, ये साइड रेजेस, ठीक हो गया, ठीक है। और इसी तरह पाँव को भी, ये क्योंकि समटाइम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं यार आप हमें कार्डियो नहीं करवा रहे हो, हाँ। हमें महसूस ही नहीं हुआ हमने कुछ किया है, हाँ। तो उनके लिए पाँव का ये वॉक तक उनको पता हो सांस चढ़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हाँ। हल्का हल्का, ठीक है ना, फिर ये शोल्डर प्रेस, ठीक हो गया, ये लाइट लाइट से कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो बहुत ही लाइट हो, लाइट भी उनको फील हो हमने कुछ किया है, ठीक है ना, आर्म्स की होगी डिफरेंट।
अच्छा नॉर्मली वैसे सुना रहा है एक हार्ट पेशेंट से हटकर एक सवाल है, नॉर्मली लड़कियां ये समझती हैं कि हम जब जिम जा रहे हैं, जब डंबल्स उठा रहे हैं तो हमारी बॉडी बन जाएगी आदमी की तरह, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा मुझे फील्ड में 3 साल हो चुके हैं, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा हाँ मैंने मसल्स गेनिंग की हुई है। हाँ एग्जैक्टली ना ये होता नहीं है ऐसा, लेकिन लोगों को लगता है ये। अक्सर फीमेल्स कहती हैं यार सुनहरा ये नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर मैं कहती हूँ अल्लाह की बंदी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो मसल आपकी बॉडी में कहाँ जाएगा, और अगर मसल नहीं होगा तो आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लफी हो जाएगी। तो ये जरूरी है। ठीक हो गया जी। आप भी जुरैरा ने बताया कि वार्म अप कैसे करना है, आपने अभी वार्म अप का तरीका बता दिया। वार्म अप कर दिया, आप ये साइड रेजेस कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कर सकते हैं ये साइड्स, ये लेग्स को परफेक्ट, ठीक है ना, टमी स्क्वीज, ठीक है, हर एंगल में आपका टमी स्क्वीज होना चाहिए। टमी स्क्वीज नहीं, कोर टाइट नहीं है, समझो आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हो वो आपकी वेस्ट जा रही है। अच्छा आपको कोर का बहुत मेन करदार है एक्सरसाइज में। ओके ठीक है ना। और मेरे ख्याल से योगा तो जुरैरा सिर्फ आपकी इनहेल एक्सहेल इस पे भी मेन वो ही है। योगा में होता है कि अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपका टमी, आप खुद भी ट्राई करें, आप इनहेल करें, लंबा सांस खींचे और टमी को फुलाना है, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है, स्टार्ट करें, करें, होल्ड ऑन और एक्सहेल, टमी को स्क्वीज जितना आप कर सकती हैं। ओके ठीक है ना। अब मैं बैठ के बताऊंगी, ठीक है, आपने इजीली बैठ जाना है, इस तरह नहीं बैठना कि आपको पेन हो रही है, आप अनकंफर्टेबल है, बिल्कुल इजी, ठीक है, अब इनहेल करते हैं, एंड एक्सहेल, टमी स्क्वीज। और योगा में ये होता है कि आपने अपने माइंड में कोई चीज, कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का कोई नहीं, अपने आप को टाइम देना चाहिए। समटाइम जब मैं करती हूँ ना इतनी थकी होती हूँ, मैं कहती हूँ यार इतना लाइफ में भाग दौड़ सब कुछ हो रहा है, कुछ टाइम हमें अपने लिए निकालना चाहिए। अच्छा ये भी लोगों का है कि एक्सरसाइज करते हुए या योगा भी करते हुए आपका माइंड जो है तमाम फिक्रों से आजाद होना चाहिए, मेरे ख्याल से एक प्रॉपर डेडिकेशन और मेडिटेशन के साथ। फिर वो लोग शिकायत भी करते हैं यार हमारा कम नहीं हो रहा। हाँ ये भी है ना, ठीक है ना, जब आप अपने आप को, आप एक इंस्ट्रक्टर आपको करवा रही है, आपको फील करना है कि आपको वो करवा रही है, वो एंगल जो करवा रही है वो कहाँ आपको किस मसल पे इफेक्ट कर रहा है। सेम टाइम क्या होता है योगा करवा रहे तो यूं कर रही होती है, सामने देख रही होती है, इससे कोई फायदा नहीं होता। आपको अपने लिए टाइम निकालना, बहुत बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा अब और क्या आप हमें आसन बताने वाली हैं? बैठ के हम साइड्स के भी कर सकते हैं, स्पेशली वो जो इनको हार्ट प्रॉब्लम है, लाइट से साइड रेजेस, और अपने सर को अपने जो है वो डाउन नहीं करना, बिल्कुल वो एक्सरसाइजेस जिसमें सर का झुकाव ना हो, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल जितने हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है ना। तो नॉर्मल एक्सरसाइजेस जिसमें आप स्टार्टिंग में बोर ना हो और आप तंग ना हो, आपको क्रैम्प्स काफी ना पड़े, तो बहुत ही नॉर्मल और जैसा ये हाथ ऊपर रखकर बिल्कुल आपने आसा 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 अपने एल्बो को स्ट्रेट रखना है, फोरहेड को कोशिश करना है कि फ्लोर के साथ टच करना है, ठीक है, ठीक है। जब मैं बहुत थकी होती हूँ और मैं रात को बेड पे लेटती हूँ तो मेरी कमर बहुत स्टिफ, बहुत दर्द होती है, तो मैं ये बहुत करती हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी होती है, इससे आपकी पूरी दिन की थकावट खत्म हो जाती है। लवली लवली लवली, ठीक है ना। अच्छा जुनैरा, हम हार्ट पेशेंट से बात करें, जल्दी से बीच में हम एक बैली फैट के लिए भी एक आसन पूछ। हाँ क्रंचेस, मेन जो क्रंचेस हैं, अक्सर लोग कहते हैं क्रंचेस नहीं करने चाहिए, क्रंचेस यार क्या, जिम जाते हो क्रंचेस स्टार्ट करते हो, लेकिन कोर को जब तक नहीं करोगे तो क्या फायदा, ऊपर से आप बॉडी को लीन कर लो, नीचे से कोई नहीं। आप लाइट यहाँ हाथ रख के यहाँ पे, ठीक है, सर के नीचे टांगे आप इससे भी रख सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट पोस्चर ये है, ठीक है। जब आपका सर नीचे है तो आपने इनहेल लेना, इनहेल करना, लंबा सांस आपने खींचना है, ओके, ठीक है, ऊपर आकर आपने एक्सहेल, ठीक है, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, ओके, ठीक है। और लोअर टमी के लिए ये आ गया होगा आपके अपर टमी के लिए, आप्स के लिए। अब लोअर टमी के लिए क्या है कि आपने हिप्स के नीचे अपने हाथ रखने, ठीक है, ठीक है, अगर आप दोनों टांगे इकट्ठी नहीं उठा सकते तो आपने कोशिश करनी है कि वन बाय वन आप पर टमी स्क्वीज, ठीक है, टमी टाइट है। टमी स्क्वीज का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना सांस रोक लेना है, आपने अपना सांस लेना है, लेना है, लेकिन आपने अपनी टमी को स्क्वीज, लंबा सांस और फिर मुंह से अपने सांस बाहर एक्सहेल, ठीक हो गया, ठीक है ना। ये चंद स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग यूज टू हो जाएंगे और अगर आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करें तो मैक्सिमम आपको 3 एक्सरसाइजेस या 3 2 मैक्सिमम ताकि क्रैम्प्स ना पड़े. हाँ, जो आपकी एग्जॉशन हो जाती है फिर लोग भाग भी जाते हैं. बिल्कुल भाग जाते हैं. हार्डली इनको 3 या 4 एक्सरसाइजेस जस्ट. लवली लवली. अच्छा, प्रेशर पॉइंट्स भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे जुनैरा आपसे कि हार्ट पेशेंट्स के लिए कोई प्रेशर पॉइंट जो आप रिकमेंड करो, जो बहुत ज्यादा इंटेंस या इस तरह के एक्सरसाइज भी अवॉइड करते हैं कि किसी को जॉइंट्स का अगर प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का. मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जब मैं योगा करवाती हूँ मुझे पता होता है कि जिनके नीज की प्रॉब्लम है, इनके बैक की प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको वो एक्सरसाइजेस नहीं करवानी जो मैं बाकियों करवा रही हूँ. नॉर्मल जितने भी हैं, जिस तरह हो गई बैक की एक्सरसाइज हो गई, कोबरा में एक्सरसाइज बताऊंगी जो जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे बेस्ट है. ठीक है, ये वाली. अच्छा, मुझे ये करते हुए पर्सनली थोड़ी सी इशू होता है, ये ज्यादा मैं ऊपर नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, मेरी बॉडी यहाँ तक ही कर सकती है. अगर नहीं तो आप नॉर्मली इतना तक भी आ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं. बट टमी स्क्वीज एंड अप चिन, इससे डबल चिन भी फर्क पड़ता है. बिल्कुल, डबल चिन पे हर चीज पे. ठीक है, ठीक है. और जिनको नीज की प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसे एक्सरसाइज ना, जैसे ये होती है, ये एक्सरसाइजेस होती है जिसमें आपके पोस्ट डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो ये चीज हो गई ना गया. अच्छा जुनैरा, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहो? दिस इज योर कैमरा. अच्छा, मैं कहना चाहूँगी, अक्सर मुझे सब कहते हैं कि जुनैरा आप इतनी स्लिम स्मार्ट कैसी हैं, आपकी डाइट, आप डाइटिंग करती हैं? डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं. अगर जिम ना जाऊँ तो मैं अपनी डाइट को घर में बैठ के एक्सरसाइज कुछ ऐसी करती हूँ. स्किपिंग बहुत करती हूँ और वॉक करती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ. और सेकेंड, मेरी फर्स्ट है मेरी नींद पूरी होती है. नींद पूरी करती हूँ, मेरी 7 आवर्स की नींद है जो मैं पूरी करती हूँ. और नींद का आपका बहुत मेन किरदार है आपकी फिटनेस से. अगर नींद आपकी पूरी नहीं है तो समझो आप कभी, आपको टमी कम नहीं हो सकता. कम नहीं हो सकता, बहुत से क्रैंकी हो जाएंगे. हाँ, क्रैंकी तो बहुत जल्दी हो जाता. ठीक है, तो नींद फर्स्ट, नींद अपनी जरूर पूरी करें जो मर्जी हो. उसके बाद डाइटिंग नहीं करनी है. जब आप डाइटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, और जब आप हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर देंगे स्लिम रहेंगे. थैंक यू सो मच जुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जना, वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में आपको इतनी ज्यादा अवेयरनेस दे दी है, योगा भी बता दिया, एक्सरसाइज भी बता दी, डाइट भी बता दिया, आप तो वैसे कैसे ख्याल रखने भी बताते. अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मेरे पास टैलेंट भी है, मैं ज्वाइन करेगा. आप देखते रहिए जागो लाहौर.